जोगिंदरनगर उपमंडल के तहत गांव बनार में ऊंची पहाड़ी पर बाबा बालकनाथ जी का प्राचीन मंदिर स्थापित है। कहते हैं कि यह स्थान बाबा बालकनाथ जी का मूल स्थान है तथा बाबा बालकनाथ जी साक्षात यहां विराजमान रहते हैं। मंदिर के पुजारी महंत राम ने बताया कि आज से लगभग 120 या 150 वर्ष पूर्व उनकी दादी ने बाबा से यह कहते हुए मन्नत मांगी थी कि यदि तू सच्चा है तो मेरी और संतानें होनी चाहिए। उस महिला के पास केवल दो ही संतान थी, लेकिन बाबा की कृपा से उनके यहाँ चार या पाँच बच्चे और हुए। कहते हैं कि उसके बाद इस प्राचीन मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ने लगी। बाबा ने गुरु के माध्यम से मंदिर वाले स्थान में खुदाई करने को कहा। खुदाई करने पर यहाँ सुनहरी थाल सहित अन्य धातुएं तथा अन्य मूर्तियां व सामान निकला। बाबा के आदेशों के तहत सुनहरी थाल व अन्य धातुओं को वापस उसी स्थान पर दबा दिया गया। मंत्राम ने बताया कि यहाँ समय समय पर कई तरह के चमत्कार होते रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी के साथ महुनाग देवता भी विराजमान हैं। यहाँ पर भाद्रपद की 20 तारीख को पवित्र स्नान होता है। बाबा जी के पवित्र पानी में नहाने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। जय बाबा बालकनाथ। मेरा नाम है महंतराम जी, गांव बनार का रहने वाला निवासी हूँ। और कुछ सदी में, कुछ साल पहले मेरे दादी जी ने बोला था कि मेरे दादी जी के दो लड़के लड़की हुए थे। तो दादी जी ने कहा था, मेरे बाबा जी मैं सिर शर्म आती हूँ नहाने के लिए, तो स्नान करने से तो मेरे आगे जो स्थान है मुझे और चाहिए। कुछ वर्ष से जो मेरे दादी जी के जो लड़के लड़कियाँ हुई तो पूर्ण हो गई, तो मेरे दादी जी ने इस मंदिर के निचले मंदिर में स्नान करते हैं वहाँ प्रार्थना की थी। तो उस प्रार्थना करने के बाद मेरे दादी ने जोड़ा बकरा वहाँ चढ़ाया गया। तो उसके बाद द्वार की जो शोभा जो बढ़ने लगी, वही पूजा पाठ चलने लगा। तो आगे समाचार इस तरीके से है, सभी से मेरा निवेदन है कि बाबा के द्वार में कुछ करें और चलाएँ। जय बाबा। लोग बोलते हैं कि ये जो मूल स्थान है बाबा जी का, यहीं से बाबा जी प्रकट हुए थे, आज ही प्रकट है। तो सब मिलजुल के बाबा जी का द्वार चलाएँ। और बाबा के द्वार में जो 3 बार लिए गए हैं, इतवार बार, मंगलवार, शुक्रवार को प्रसन्न दी जाती है 9 से 5 बजे तक। सभी से निवेदन करता हूँ, सभी भाई से जो किसी के जो कष्ट दूर हो जाए उनसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आए और बाबा जी के गुण पाए। जय बाबा। और जिस टाइम जो बाबा प्रकट हुए थे यहाँ, तो बाबा बालनाथ के जो चेलों थे बैठे हुए यहाँ, उन्होंने देश किया था कि मेरा गुरु भाई जो है, गुरु गोपनाथ जो है, छपड़ में हैं, तो छपड़ में तोड़ेंगे तो वहाँ मित्र की जो मूर्ति है वो निकली। तो उसके बाद जब दिन आया तो उस दिन सब लोग आए थे, जो चेले जी वो संगले उसका जो उड़ के ऊपर चले गया पहाड़ में, तो पहाड़ में जहाँ लगा था वहाँ उसको तोड़ा गया और वहाँ से अंदर से बाबा जी की, गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति निकली। तो बाबा जी ने बोला कि ये मूर्ति जो है उधर ही रखना। तो एक बाबा जी ने एक अपने मंदिर में बगल में एक वो फलाखर का बूटा था, उसके नीचे जो बोला कि यहाँ जैसे कि मैं संगल सटूंगा तो वहाँ कोई चीज़ निकलेगी। तो उस संगल सटने के बाद उस जगह की खुदाई की गई, तो उस खुदाई की गई को 4 फुट खुदाई की, तो उसके नीचे उस बड़ की जड़ें आई। वो फिर लोगों ने बोला कि बाबा जी ये तो जड़ें आ गई। तो बाबा जी ने बोला चेले ने, भाई इसमें तो उसको मिट्टी को मिट्टी से फिर ढक दें। तो उन्हें ढक दिया, तो उसने फिर संग सटा, बोला अब इसको दोबारा हाथ से मिट्टी निकालो। हाथ से मिट्टी निकाली, निकालते गए तो फिर वो जो है पलाखरे की जो जड़ें जो हैं वो फिर आ गई। तो बोला अब लोगों ने बोला बुजुर्गों ने कि ये जो जड़ हैं वो जड़ के नीचे थोड़े से उंगली से मिट्टी को इसको साफ करो। जो मिट्टी से साफ करने लगे तो नीचे से एक सुनहरी थाल, सोना चांदी पित्तल तांबा ये सब चीज़ों का असल धातु की वो थाल निकली गई और उसको निकाला गया। जितने भी
इलाके के जितने भी सियाने बुजुर्ग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, शादीशुदा थे, सबसे उन्होंने दर्शन किया और फिर उसको बाबा ने निर्देश किया कि उसको जिस जगह से निकली उसको वहीं रख दो। फिर उसको मिट्टी से ढका गया और वो छप्त हो गई। जय बाबा भोलेनाथ। आपका फैसला के लिए जोगिंदर नगर से कैलाश की रिपोर्ट।